हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ऑपरेशन लोटस को लेकर दिए बयान के बाद हिमाचल की सियासत में खलबली मच गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस पर पलटवार किया और कहा कि भाजपा मुंगेरी लाल के सपने देख रही है, प्रदेश में 5 साल कांग्रेस की सरकार ठोक बजाकर चलेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा को जनता के फैसले को स्वीकार करना चाहिए, लोगों ने कांग्रेस को जनमत दिया है, कांग्रेस ने 40 सीटें हासिल की है, बीजेपी को रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री हार को पचार नहीं पा रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने आगे कहा कि उप मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि मंडी हमारी है, लेकिन कांग्रेस दोबारा से 2024 के लोकसभा चुनावों में मंडी जीतेगी और मंडी को उनसे छीनेगी। हम तो भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहते हैं कि जनादेश का सम्मान करना सीखें। हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है कांग्रेस पार्टी को, सत्ता में लाने का मैंडेट दिया है, उसका भारतीय जनता पार्टी सम्मान करे और सत्ता से बाहर बैठकर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का काम करे। और मुझे लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो हार हुई है उसको पचा नहीं पा रहे हैं और इसलिए लगातार इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बहुत ही मजबूत सरकार कायम हुई है, 40 हमारी सीटें हैं और जो मुख्यमंत्री जो आंकड़ों की दुहाई, पूर्व मुख्यमंत्री जो आंकड़ों की दुहाई दे रहे थे कि इतने मार्जिन से सरकार बनी है, तो उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस को 15 सीटें एक्स्ट्रा मिली हैं उनसे, उनको 25 सीटें मिली हैं, हमें 40 सीटें मिली हैं। तो सीटों का अंतर देखें कि कितना बड़ा है। तो अभी तो जो है पहला सत्र होने जा रहा है, अभी तो शब्द विधायकों की शब्द होने जा रही है, स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है, गवर्नर एड्रेस होने जा रहा है, तीन दिन का सत्र है धर्मशाला में। तो इतनी व्याकुलता और इतनी जल्दबाजी भारतीय जनता पार्टी को दिखाना मुझे लगता है सही नहीं है। अभी तो अपना मंथन करें और बाकी जो है, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मंडी हमारी है तो 2024 में ये भी छीन लेंगे दोबारा से, फिर कायम जो है हमारा सांसद वहां पे काबिज होगा। तो इसलिए बार बार ये कहना कि जो है कांग्रेस में अस्थिरता है, कोई अस्थिरता नहीं है, कांग्रेस की स्थिर स्थायी टिकाऊ सरकार यहाँ काम कर रही है और ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी, ठोक बजा के चलेगी। और जो लोग सपने देख रहे हैं ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के मंडी में भाजपा के ऑपरेशन लोटस की तरफ इशारा किया है। जयराम ठाकुर ने कहा था कि भाजपा को सत्ता के लिए 5 वर्षों का इंतजार ना करना पड़े और उससे पहले ही सत्ता मिल जाए। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।